संजीवनी, यू साउंड सो मेलोडियस, सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल. मैं ऐसे ही जब किसी को गाते हुए सुनता हूँ तो मुझे लगता है बहुत कमतरी महसूस होती, बहुत ही एहसास कमतरी होता है कि यार क्या कोई कहाँ, मतलब ये इंसान में क्या भरा हुआ है. सो यू आर फैंटास्टिक, बहुत 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 खूबसूरत. छोरी छोरी जब नजरे मिली, छोरी छोरी फिर नींदे उड़ी. यारा रब रुस जाने दे. Sanjeevani worked with me in Kareeb. She's a very fine singer and she's somebody who makes me very, very proud. Aage bhi jaane na tu, peeche bhi jaane na tu, chain se humko kabhi. I've done probably 1500 concerts. आज की ये शाम समर्पित करते हैं लिविंग लेजेंड पद्मश्री आशा पारिक जी के नाम. संजीवनी गा भी बहुत अच्छी रही है. कुछ कुछ गाने तो ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि वाह क्या गाया इन्होंने. ओ, ओ, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन. Sanjeevani is a very, you know, focused singer and focused in whatever she does. She is one of my favorite singers. काफ़ी बरसों से जानती हूँ संजीवनी को, बड़े लगन से, बड़े प्यार से, पूरे डेडिकेशन के साथ ये गाती हैं और ये सिलसिले को जारी रखती हैं और हमेशा रखें.
चौदहवीं रात के इस चांद तले सुरमई रात में साहिल के करीब दूधिया जोड़े में आ जाए जो तू तुझको बर्दाश्त न कर पाए खुदा भी दूधिया जोड़े में आ जाए जो तू तूलिया गुलजार द सॉन्ग्स आर इवनिंग मेरा कुछ तुम्हारे एक ग्लव्स को तोल के रखती है वो बड़ा अच्छा लगता है काश ऐसा मैं भी कर सकता बहुत वर्षों में यार जिसने गुरु से दीक्षा ली होती है उसकी गायकी में आप हमेशा ये देखेंगे कि कुछ अलग चीजें होती है जो संजीवनी में है राम 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 घट घट में पंछी बोलता बहुत से कलाकार हैं बहुत से गायक हैं गायिकाएं हैं लेकिन ये सब में अलग नजर आती हैं क्योंकि इनमें वो सारी सभ्यता जो पढ़ने लिखने से आती है वो इनमें मौजूद है मुक्त भाव जो स्पॉन्टेनिटी मीरा में है वो हर छोटी छोटी लड़की में है बच्चियों में है। संजीवनी ने बड़े कमाल का काम किया है कि राजस्थान की जोगन को सारी दुनिया जिस जबान को जानती है उसमें अनुवाद किया है संजीवनी के की गायकी के द्वारा 21वीं सदी के लोगों को छूती है तो उनका एक पूर्ण जन्म होता है। मैं तो उसकी आवाज़ की जो रेजोनेंस को सुनता रहता हूँ जब वो गाती हैं तो उसके अंदर एक अनस्टेटेड उसकी एक फ्रेग्रेंस है जो आपके जहन में रह जाती है। नेपाली में मैंने बहुत गाया है मेरे 100 से अधिक गाने और फिर बांग्ला तेलुगु मेरा एक गाना बहुत हिट है जीवन साथी थी मेरा ही थमे रो कसम
एक पल विच सौ बार करा, तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं या ना, बिन बोले बाते तुमसे करूं गर तुम साथ हो। Thank you.